आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हकीम साकिब अली में। पहले दोस्तों आप सभी भाई खैर से होंगे। दोस्तों मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताना चाहूँगा जिसके जो मर्ज के जो कारण हैं, जैसे कि सिर पतन या दाग का बहना या रात के वक्त सोते वक्त नाइट फॉल्ट हो जाना या जो और भी बीमारियाँ हैं जैसे कि जलन होना, पेशाब करते वक्त जलन होना या वीर्य का जो पतला होना। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ का जो कारण है, ये जितनी भी बीमारी मैंने बताई हैं इनका सिर्फ एक ही कारण है और वो है वीर्य का पतला होना। ये कब होता है ये भी मैं बता दूँ। दोस्तों वीर्य पतला होने से बहुत ही दिक्कत आ जाती है, आपकी जो नफ्स होता है उसके अंदर ढीला भी पड़ जाता है और शायद बाजी जो मेरे भाई हैं उनका जो मर्दाना ताकत भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीर्य पतला कब होता है, जब ज़्यादा हद से ज़्यादा हस्त महरूम कर लेता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी, तो उसका जो वीर्य है वह पतला हो जाता है और जो उसकी मर्दाना ताकत है वो भी कम हो जाती है। टाइमिंग में भी इजाफा नहीं हो पाता है, टाइमिंग भी कम हो जाती है और सिर पतन के आसार लगने लगते हैं और पेशाब में भी जलन होने लगती है। दोस्तों ये सब कारण जो है वीर्य पतला होने के हैं। दोस्तों इस वीडियो अंदर मैं बतलाऊँगा एक बहुत ही आसान नुस्खा, बहुत ही आसान तरीका है और इसे इस्तेमाल करने का भी तरीका बहुत आसान है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है तुलसी का पेड़, तुलसी का पेड़ आपको ढूंढना है। तुलसी के पेड़ पर मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ लेनी है। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों बातें नुस्खे की तरफ, नुस्खे में आपको लेना क्या है, आपको तुलसी का पेड़ जो आपको ढूंढना है, आपको तुलसी के पेड़ पर ऐसे बीज लेने होंगे। बीज आपको किस तरह से लेने होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको बीज तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद आपको उन्हें अच्छी तरह उंगलियों से मसलना है। मसलने के बाद आपको उनके अंदर से काले काले बीज है जो निकलते हैं उनको निकाल लेना है। काले बीज को निकाल कर आपको अच्छी तरह से मसल लेना है। मसलने के बाद आपको उन्हें रख देना है। दोस्तों अगर आपको तुलसी का पेड़ नहीं मिलता है, आपको कहीं भी आप ढूंढते हैं आपको नहीं मिलता है, तो आपको एक आसान तरीका बता दूँ। आप अंसारी स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ से आप कह सकते हैं कि भाई तुलसी के पेड़ के बीज हमें दे दो, तो वहाँ से आपको तुलसी के बीज मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। और आपको उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, दोस्तों आप एक चुटकी के बराबर उन बीज को लेना है, ध्यान रहे ज़्यादा नहीं लेना है वरना नुकसान हो सकता है। चुटकी के बराबर उस बीज को लेना है और दूध से फंकी लगानी है, जैसे कि सुबह और शाम दो टाइम आपको खाना खाने के बाद उसकी फंकी लगानी होगी दूध के साथ। इंशाल्लाह आप सोच नहीं सकते, बहुत बेहतरीन नुस्खा है और आसान है, मैंने बता दिया है। इससे आपकी जो बीमारियां हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी जड़ से है, जो वीर्य है आपका पतला हो जाएगा और नाइट फॉल्ट जो आपका होता है बार बार ये भी नहीं होएगा। और दूसरी बात यह है कि वीर्य जो है एकदम खड़ा हो जाएगा और आपका जो धात वगैरह की जो शिकायतें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। टाइमिंग में बहुत इजाफा होएगा। तो दोस्तों इसका दूसरी जो फ़ायदा है वे भी आपके दिल और दिमाग के लिए है। दोस्तों ये दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे जो दिमाग में सिर में जो दर्द होने वाली जो दिक्कतें हैं ये भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों इन चीज़ों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन और अजमदार नुस्खा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें उन दोस्तों पर जो कि परेशान हैं कुछ ऐसी ही बीमारियों को लेकर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।